हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ होंडाई के नेक बैंड का और पिलो का। तो फ्रेंड्स, ये जो है वो मैंने कार के साथ में ही परचेज़ किया था। इनका प्राइस जो है वो 800 रुपीज़ है, यानी कि नेक बैंड का जो प्राइस है वो 800 रुपीज़ है और पिलो का जो प्राइस है वो भी 800 रुपीज़ है। आपको नेक बैंड जो है वो सिंगल पीस मिलता है 800 में और पिलो जो है वो दो मिलता है 800 में। तो आप अपने चॉइस के हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने दोनों लिया है, तो मैं आपको क्विक सा रिव्यू दूंगी और क्विक सा जो है वो आपको डेमो करके दिखाऊंगी और टेस्ट करके दिखाऊंगी कि आपको जो है वो कौन सा लेना चाहिए या फिर लेना भी चाहिए या नहीं कार के साथ में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक बैंड की क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छी है। ऊपर का जो इसका मटेरियल है वो वेलवेट है। इसके साथ में जो है वो हमें एक कवर भी मिलता है इसको पैक करने के लिए। तो ये चीज़ अच्छी है कि जल्दी से जो है वो गंदा नहीं होगा। ये तो आप देख सकते हैं इस टाइप का कवर है और आप इसमें डाल के इसको पैक कर सकते हैं। इसके साइड में जो है ना वो आपको ज़िप मिलता है जिसको आप ओपन और क्लोज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बहुत छोटू सा जिप दिया हुआ है, इसके थ्रू जो है वो आप इस कवर को निकाल सकते हैं। और मैं आपको अंदर का मटेरियल दिखाती हूँ। ये स्पंज टाइप का मटेरियल है और आप जब इसको प्रेस करते हो तो ये दब जाता है और जब छोड़ते हो तो ये दोबारा से जो है वो अपने पोजीशन पे आ जाता है। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है कार में। जैसे आप लंबा ट्रैवल करते हो ना तो आपको रेस्ट करने के लिए, आराम करने के लिए जो है ना वो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर मैं आपको पहनकर दिखा रही हूँ कि पहनने के बाद कुछ ऐसा सा लगता है ये। आप इसमें लॉक भी दिया हुआ है, आप इसको अटैच करके जो है ना वो अपने हिसाब से इसको लॉक कर सकते हो। तो मैं प्रॉपर आपको गाड़ी में बैठकर पहनकर भी दिखाऊंगी कि ये गाड़ी में बैठने के बाद और पहनने के बाद जो है वो कितना कंफर्टेबल रहता है कार के साथ में। बिकॉज़ हमें एंड में तो इसको गाड़ी के लिए ही यूज़ करना है। मैंने अपनी गाड़ी के लिए ही परचेज़ किया है, तो मैंने दोनों परचेज़ कर लिया, पिलो जो आता है वो भी और नेक बैंड भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये पिलो है जो कि हमें दो के पेयर में आता है, तो ये एक पेयर है। अगेन, इसकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है। तो अगर आपको यूज़ नहीं करना है तो आप दोबारा से इस पैकेट में डालकर इसको अपने कार में रख सकते हो, तो प्रोडक्ट जो है वो गंदा नहीं होगा। दोनों पे जो है वो होंडाई का लोगो जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे H लिखा हुआ है और नेक बैंड पे भी जो है वो साइड में जो है वो होंडाई का लोगो है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पीछे ये रबर टाइप का दिया हुआ है जो कि आपके कार के सीट पे पीछे फंस जाएगा। और यहाँ पे बैक में जो है वो आपको ज़िप दिया हुआ है। तो इसका भी जो मटेरियल है ना वो ऑलमोस्ट सेम है। इसके ऊपर जो है ना वो एक वाइट और पतला सा कवर चढ़ा हुआ है, तो ये चीज़ थोड़ा अलग लगा मुझे उससे। उसके ऊपर जो है वो एक्स्ट्रा कोई भी कवर नहीं चढ़ा हुआ है, बट इसके ऊपर चढ़ा हुआ है। तो चेन जो है वो काफ़ी छोटी है, तो थोड़ा बंद करने में और खोलने में जो है इसको थोड़ी दिक्कत आती है, बिकॉज डर लगता है कहीं टूट ना जाए ये। बट क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, ऊपर का मटेरियल काफ़ी अच्छा है। आप देख सकते हैं ये वेलवेट टाइप का मटेरियल है, तो आपको काफ़ी सॉफ्ट फील होगा और काफ़ी कंफर्टेबल फील होगा। अंदर का स्पंज भी जो है वो काफ़ी सॉफ्ट है, तो आप जब इसको गले पे लगा के बैठोगे या फिर नेक के पीछे रख के बैठोगे ना तो काफ़ी कंफर्टेबल फील होता है। आपके ड्राइव को और भी ज़्यादा कंफर्टेबल और रिलैक्सिंग बना देता है ये जो पिलो है। हम यूज़ करते हैं इसलिए मैं आपको रिव्यू दे रही हूँ, बिकॉज ये सब चीज़ें आप जब एक्सपीरियंस कर लेते हो ना तभी आपको समझ में आती है कि आपको परचेज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आपके लिए क्या परचेज़ करना बेस्ट होगा। तो इसलिए जो है वो मैंने दोनों परचेज़ कर लिया, क्योंकि उस टाइम हमें कोई नॉलेज नहीं थी। तो अगर आप भी गाड़ी लेना चाहते हो या फिर लेने वाले हो तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखो तो ज़्यादा बेहतर होगा, आप ज़्यादा पैसे जो है वो सेव कर पाओगे। तो यहाँ पर जो है वो मैंने गाड़ी कर दिया है इसको, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये अच्छे तरीके से जो है वो यहाँ पे सेट हो चुका है। इसका शेप भी जो है वो काफ़ी कंफर्टेबल लगता है मुझे जब मैं गाड़ी में बैठती हूँ। तो यहाँ पे दूसरी साइड पे भी जो है वो मैं इसको सेट कर लेती हूँ। तो ये जो है वो दो मिलते हैं, आगे के
दोनों सीट के लिए, और पीछे के लिए जो है वो आप नेक बैंड जैसा कुछ यूज़ कर सकते हो। तो पीछे के लिए तो हमें इतनी ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज़ हम दो ही लोग हैं तो आराम से हम दोनों का आगे ही हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं जब बैठ रही हूँ ना, तो मेरा गर्दन काफ़ी अच्छे से कंफर्टेबल तरीके से जो है ना वो आराम से इसमें लग जा रहा है। और यहीं पर जब मैं नेक बैंड यूज़ कर रही हूँ तो ये मुझे ना थोड़ा सा हैवी फील होता है, क्योंकि जब आप ड्राइव कर रहे होते हो तो आपके गले में कुछ इतना हैवी सा हो तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है। जब आपको ड्राइव करते करते ऐसा लगे कि आपके गर्दन में थोड़ा दर्द हो गया है, थोड़ा सा पेन हो रहा है, या आप रिलैक्स नहीं हो, तो आप पीछे की तरफ ऐसे हो जाइए तो आप आराम से जो है वो पिलो से काम चला सकते हैं। तो ये मुझे बैक सीट के लिए जो है ना वो ज़्यादा अच्छा लगा, ज़्यादा कम्फर्टेबल लगा, बिकॉज़ पीछे वाले को जो है वो सिर्फ रेस्ट ही करना होता है, ड्राइविंग पे फोकस नहीं करना होता है। तो अगर पीछे आप सो रहे हो या आराम करना चाह रहे हो, लंबा रूट जो है वो आप कर रहे हो, तो आप आराम से जो है ना वो इस नेक बैंड का यूज़ कर सकते हो, काफ़ी कंफर्टेबल होता है। क्वालिटी में जो है वो कोई डाउट नहीं है, बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी है। तो मैंने आपको यहाँ पे बैठ के दिखा दिया, और अब जो है वो राहुल यहाँ पे आपको बैठ के दिखा रहे हैं, बिकॉज़ हम दोनों की हाइट में जो है वो डिफरेंस है, तो इसलिए जो है वो आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा कि आपके लिए कौन सा बेटर होगा। तो यहाँ पे राहुल जो है वो नेक बैंड लगा रहे हैं, तो उनको जो है वो नेक बैंड भी ठीक लगता है, मतलब बहुत अनकम्फर्टेबल नहीं लगता है, बिकॉज़ उनकी हाइट जो है वो काफ़ी अच्छी खासी हाइट है, मेरे से तो बहुत ठीक ठाक हाइट है इनकी। तो इनको नेक बैंड जो है वो थोड़ा सा ना ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। और वहीं पे बात करूँ मैं पिलो की, तो पिलो जो है वो उनको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है, बिकॉज़ उनका जो गैप वाला एरिया है ना गले का, वहाँ पर वो फिट नहीं हो पाता है, जैसे मैंने यहाँ पर फिट किया है ना पिलो को, तो इनको जो है वो पिलो थोड़ा और ऊपर की साइड पे सेट करना पड़ेगा, तब जाके जो है वो इनका गर्दन अच्छे तरीके से सेट हो पाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो इनका गर्दन जो है वो ठीक से सेट नहीं हो पाता है। तो ये आपको जो है वो पिलो भी लगाकर अच्छे से दिखा देते हैं कि इनका नेक जो है ना जब ये बैठते हैं तो ये नीचे चला जाता है, बट मैं जब बैठती हूँ तो मेरा प्रॉपर यहाँ गर्दन पे आता है। तो इनको जो है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ पिलो को रखना पड़ता है, तब जाके ये थोड़ा कंफर्टेबल तरीके से जो है वो बैठ पाएंगे। बट नेक बैंड जो है वो मुझे लगाकर हमेशा ड्राइविंग करना इतना प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है, बट पिलो जो है वो ज़्यादा कंफर्टेबल है, ज़्यादा प्रैक्टिकल लग रहा है, क्योंकि जब आप ड्राइव करते करते थोड़ा सा आपके गले गर्दन में पेन हो या कोई दिक्कत हो तो आप रेस्ट कर सकते हो, बट गले में हमेशा लटका कर उसको ड्राइव करना अनकंफर्टेबल हो जाता है। हाँ, अगर आप बैक सीट के लिए लेना चाहते हो तो बेस्ट ऑप्शन है, आप दोनों ले लीजिए, डेफिनेटली आप यूज़ कर पाओगे, प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्राइस जो है वो काफ़ी डिसेंट है। तो बैक साइड में भी जो है वो राहुल आपको अच्छे से लगा कर बैठ कर और रेस्ट करके दिखा रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो मेरा ओपिनियन तो यही रहेगा कि अगर आपका बजट ठीक है, आप लेना चाहते हो, तो डेफिनेटली दोनों ले सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप दोनों में से कोई एक चूज़ करना चाहते हो तो आप जो है वो पिलो चूज़ करिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आज का रिव्यू आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो टेस्टर, बाय।